न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की विदिशा सब्जी मंडी में आज बिना मास्क चलाया चालान की कार्यवाही। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर की गई विशेष चालान कार्यवाही, जो बिना मास्क के गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दिया, उसे कार्यपालिका मजिस्ट्रेट ओझाज तहसीलदार ने की कार्यवाही। बिना मास्क के गाड़ी चालकों पर हुआ 100 रुपए का जुर्माना और कुछ लोगों को समझा कर भेजा। आज से बिना मास्क के घूमने वालों पर होगी कार्यवाही। विदिशा संवाददाता जय करूसिया की रिपोर्ट। PS मशीन में 100 रुपये से कम का चालान बनता रहता है। यदि कोई ऐसा आदमी दिखता है जो मजबूर है, इसमें पैसे हैं नहीं, तो उसको ऐसे ही 100 रुपये चेतावनी देंगे और इसमें मास्क लगा के चले और 100 रुपये का हम चालान ले रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लगभग सभी लोग मास्क लें, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ने लग गया है। तो अभी हम यही काम कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता लाने के लिए 100 रुपये की चालानी कार्रवाई यहाँ पर। गवर्नमेंट ने जो अभी एक आदेश निकाला है कि रात को बढ़ गए थे, सुबह 6 बजे थे कि लॉकडाउन जो है कंटिन्यू लगा रहेगा, ये कब तक के लिए रहेगा? ये रात 10 बजे उस समय कोई प्रतिष्ठान वगैरह कोई नहीं खुलेगा, सब बंद रहेंगे। अब ये कब तक रहेगा ये मैं अभी आदेश देखता हूँ। सर इसीलिए कहना चाहिए आपको, जनता को मास्क भी दिया जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है और हमने जो है नगर पालिका को ये बता दिया है, कल से हम यहाँ पे गांधी कार्रवाई करेंगे, मास्क भी रखेंगे, हम एक मास्क पर भी कर दिया जाए।